बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, यहाँ बिताए हुए पल वाकई में अच्छे लगते हैं। आपको इतिहास को अगर सीखना है तो यकीन मानिए इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। हम रणथंभौर फोर्ट के हाथी पोल पर है, यानी हाथी दरवाज़ा। यहाँ से हाथी की आवाजाही हुआ करती थी, यानी कि इतिहास कैन बी मेड फन इफ़ वी लर्न इट द राइट वे। जी हाँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको हिस्ट्री का चैप्टर भी। वैसे बड़े अच्छे लगते हैं हमें। सासू माँ नया खेल खेल रही है, क्या है वो खेल, चलिए आपको बताते हैं। राम और प्रिया को अब एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। ये दोनों अब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब देखिए, ये कुछ ऐसा ही तो हो रहा है जहाँ पर राम अपनी पत्नी की बातें सुन रहा है। मुझे रियलाइज हुआ है कि वो अपने पापा को कितना मिस करती, कितना प्यार करती, इसीलिए उनका मान रखने के लिए मंदिर में थी। बस है, प्रिया अपनी माँ से राम की तारीफ कर रही है। तो वहीं जब राम की माँ आई राम और प्रिया के पास और उसने कहा कि तुम दोनों को अब एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, मम्मी जी की इस बात पर भाई प्रिया ने तो झट से हामी भर दी। अब दूसरों की वजह से परे होने का बहुत प्लान है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, ग्रेट। और रही बात राम की, तो भाई राम भी कहाँ मना करने वाला है, क्योंकि वो भी तो अब प्रिया को पसंद करने लग गया है। अब ये दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएंगे, और अब जब दोनों साथ हैं तो भला इन्हें कौन जुदा कर सकता है। फिलहाल तो राम के सर में दर्द है और प्रिया उसे बाम लगा रही है। अब ये बाम तो बहाना है प्रिया, दरअसल राम को आपको अपने करीब लाना था, इसीलिए तो उसने ये सरदर्द का बहाना किया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्यार हो गया है कल्याणी को बख्शी जगबंधु से। बस वो बहाना ढूंढती है उसके आसपास रहने के लिए। अब हम सबने देखा है कि कल्याणी एक वॉरियर है और वो लड़ाई करने के सारे पैतरे भी जानती है। तलवारबाजी तो उसने बचपन से सीखी है, तो आज जगबंधु के सामने वो ऐसा क्यों जता रही है जैसे कि उसे तलवारबाजी कुछ खास नहीं आती है। अब जगबंधु तो गंभीर है, उसे लग रहा है कि वाकई में कल्याणी को तलवारबाजी सीखनी है। वो तो बड़ी शिद्दत से तलवारबाजी सिखा रहा है, लेकिन कल्याणी है ना जो कुछ और ही सीख रही है। उसे तो जगबंधु पर प्यार आ रहा है। इन दोनों को करीब देखकर राधा मणि भी थोड़ी सी चिंतित हो गई है। अब पत्नी को ये एहसास तो होगा ही ना अगर उसका पति थोड़ा सा दूर जा रहा हो। तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, बट फिर वो जलन सबसाइड भी हो गई क्योंकि राधा मणि को पूरा विश्वास है जगबंधु पे। वो तो कल्याणी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद जगबंधु, उसे बस थोड़ा समय बिताना है जगबंधु के साथ, और वो जानती है जगबंधु के को कैसे कन्विंस किया जाए। तलवारबाजी का नाम लिया तो भाई हाँ बोलेगा ही वो। एक है, राधा को शक हो रहा था लेकिन जगबंधु ने मामले को संभाल लिया है। अब देखना ये होगा कि जगबंधु कब कब मामला संभालते हैं, क्योंकि कल्याणी तो अब हर बार अपने प्यार को ही खोजेगी। ये कितने दूर भागेंगे वो कल्याणी से। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
देखिए किले जो है वो ऊंचाई पर होते थे, उसके दो फायदे हैं, जब कोई दुश्मन सेना आप पर आक्रमण करे तो आप पहले ही तैयार हैं, सतर्क है। दूसरा फायदा ये है, इतने लंबे जब रास्ते होते थे कि जब जंग जीत कर फौज वापस आती थी तो शूर वीरों का स्वागत ऐसे होता था कि इन्हीं झांकियों में से, इन्हीं खिड़कियों में से उन पर फूल बरसाए जाते थे। वैसे बाहर वाली फीलिंग आती थी, वैसे बाहर तो आ गई है ये रिश्ता क्या कहलाता है अभी सीरियल में, क्यों देखिए ना। क्या होता है भाई, जब प्यार हुआ है तो प्यार निभाना भी चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सोच लिया, तो फटाक से हीरो और हीरोइन ये क्यों कहते हैं कि हम मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर मूव ऑन होना चाहते हैं। अब भाई देखिए, हमें तो लगा था कि अभिमन्यु अब इस जन्म में तो अक्षरा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये क्या, मम्मी के कहने पर वो आरोही के बारे में भी सोच रहा है, वो अक्षरा को लेकर मूव ऑन होना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को तब भी बोला था कर, मम्मी को हाँ बोल देते करते थोड़ी ना। अब भी किसी शायर ने तो नहीं, लेकिन हाँ शाहरुख खान ने अपनी फिल्म में जरूर कहा है कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं कहता है। तो आप भी अपने दिल में झांकिए, क्योंकि आपके दिल में तो अक्षरा बसती है, वो अक्षरा जो अपने आसपास सबको खुश देखना चाहती है, जहाँ पर भी जाती है सबको अपना बना लेती है, जैसा कि इस कैंप में हो रहा है, ये तो आप खुद ही देख रहे हैं ना। संयोग वर्ष यूनिवर्स के मुताबिक वापस तीनों के तीनों एक ही जगह पे पहुंच गए। अब हमें तो जो आपसे कहना था हमने कह दिया, बाकी तो आप समझदार हैं, आपको क्या करना है ये आप भी समझ सकते हैं। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए जब आप रणथंभौर के इस फोर्ट में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भारत का क्या दबदबा था उस दौर में भी उसका एहसास हो जाता है। ये बड़े बड़े किले कहीं ना कहीं हमारी शक्ति का एहसास दिलाते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस दौर में हमारी मीत भी कुछ कम धाकड़ नहीं है, माना बहुरानी बन गई है, लेकिन जैसे ही उनकी ननद के साथ किसी ने बदतमीजी की, फिर क्या था, धो डाला। मीत ने भले ही साड़ी पहन ली हो, वो भले ही किसी के घर की बहू बन गई हो, लेकिन अत्याचार तो वो अब भी किसी पर भी होते नहीं देख सकती है। और उस पर जब अत्याचार उसकी अपनी ही ननंद ईशा के साथ हो रहा हो, तो भाई भला वो कैसे चुप रह सकती है। ईशा अपने दोस्तों के साथ थी, तभी वहीं पर उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी झड़प हो गई, और ये नज़ारा मीत भाभी ने देख लिया। अब मीत तो बातों की भाषा बाद में करती है, पहले वो घूसों की बातें करती है। तभी तो उसने न आव देखा न ताव, और सीधे ले ली ईशा के बॉयफ्रेंड की क्लास। अब ईशा को ये कुछ ठीक नहीं लगा, अपने दोस्तों के सामने उसने भाभी को चार बातें भी सुना दी, लेकिन भाभी तो भाभी है, वो तो पता लगा कर रहेगी कि आखिर माजरा क्या है, ईशा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अब ससुराल में यही तो काम है बहू का, जासूसी करना, फिर वो जासूसी घर के किसी भी सदस्य के लिए कर सकती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार सुष्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS ओरिजिनल्स में। नमस्कार, कैसे हैं आप?
बहुत बढ़िया। और जैसे आपके बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना दूसरे सीजन के, हम भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इट्स बीन वेरी हार्ट वार्मिंग, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है आर्या सीजन वन को कि जस्ट बी एबल टू कम बैक विद सीजन टू इन इटसेल्फ इज अ विक्ट्री। हमें थोड़ा वक्त लग गया इस सीजन को कंप्लीट करने में विद कोविड एंड इट्स रूल्स एंड शूटिंग इन टू डिफरेंट लोकेशंस, बट ऑल इन ऑल आई एम जस्ट हैप्पी दिस ईयर राइट एट द एंड December 10th, we are finally releasing. जी, और इस बार जैसे प्रचार किया जा रहा है कि 10 तारीख को शेरनी जो है वो अपने पंजे निकाल कर बाहर करेगी, फिर से बाहर निकालेगी। हाँ। फिर से बाहर निकालेगी। मैं देखना चाहता हूँ पंजे आप में, आपके सच में हैं पंजे? मतलब नाखून भी हैं क्या बड़े बड़े जो वार कर सके? वैसे पंजे नाखून के बारे में नहीं होते कि चोट कितनी गहरी होती है उसके बारे में होते हैं। तो नहीं नहीं मेरे पंजे बहुत सॉलिड हैं। जी, लेकिन बहुत खुशी हुई और आज तो माधुरी दीक्षित ने भी मतलब आपका रिकैप दिखाया लोगों को, वो भी इसके साथ जुड़ गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत बड़ी माधुरी दीक्षित फैन हूँ, सो मेरे लिए इट वॉज अ वेरी बिग थिंग दैट शी अग्रीड टू डू दिस एंड प्रमोट आर्या एंड डू द रिकैप फॉर अस। बट ऑन अ डिफरेंट लेवल ये हमारे लिए आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है कि एक को एक्टर, एक मेंबर ऑफ द सेम फ्रटर्निटी एंड अ फीमेल एक्टर आके सपोर्ट करती है एक को एक्टर को, एंड दैट टू डज इट विद सो मच ऑफ इलान। मुझे बहुत खुशी होती है कि आई जॉइन द इंडस्ट्री इन द 90s और अब जब मैं देखती हूँ बहुत फर्क आ गया है, यू नो वी हैव लर्न टू कोलैबोरेट मोर। अब वो एक क्या कहते हैं कंपेटिटिवनेस, जेलसी, वो सब चीजें जो पहले हुआ करती थी, नाउ इट्स बिकम अ लॉट मोर कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव एंड वुमेन आर स्टैंडिंग अप फॉर वुमेन। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। सो बिग फैन ऑफ माधुरी जी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी शी इज अ पार्ट ऑफ दिस। और ट्रेलर को भी लोगों ने बहुत पसंद किया और कुछ दिनों पहले मैंने देखा था तब 30 मिलियन से भी ज्यादा उसकी व्यूअरशिप हो गई थी, मतलब व्यूअर्स ने देखा जी, और वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो यही बताता है कि लोगों को कितना पसंद है आर्या और लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार है। और खास करके इस बार जो टीज में दिखाया गया, जो ट्रेलर में दिखाया गया, मतलब आपका रूप पहले सीजन से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा मतलब प्रॉमिसिंग, और वो देखकर ही लोगों को ये लग रहा है कि भी ये दूसरा सीजन कब आएगा और कब शुरू होगा और कब देखेंगे ये, तो ये सच में बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैंने सुना है कि आप बीमार होने के बावजूद भी शूट कर रहे थे। जी, बट क्या था ना कि बीमार थोड़ा ज्यादा हम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज और हो गए थे। व्हेन वी स्टार्टेड द सेकंड सीजन तबीयत फिर भी ठीक थी, लेकिन क्या होता है ना संदीप, जब आपके यूनिट में इतने सारे लोग होते हैं एंड यू आर द सेंट्रल कैरेक्टर, अगर आप बीच में काम छोड़ देते हैं तो सबके, फॉरगेट द क्रिएटिविटी ऑफ इट, सबका काम रुक जाता है। सो इट वॉज अ कॉल दैट वॉज टेकन प्योरली ऑन दैट लेवल के इसे खत्म करके, आई मे नॉट बी हियर फॉर द प्रमोशंस, अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड आउट ऑन दैट, बट आर्या खत्म करके तैयार करके फिर जाऊंगी। सो यस, आई वेंट फॉर माई सर्जरी आफ्टर दैट, बट आई कम्प्लीटेड आर्या बिफोर। जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मॉम टू डॉन बनना इतना आसान नहीं था, मतलब सीरीज में भी और आपके लिए भी। मुझे ऐसा लगता है यू नो संदीप के सारे मॉम्स ना नेचुरली डॉन होते हैं उसके लिए वो अलग से कोई कैरेक्टर या किरदार बनाने की जरूरत नहीं होती, वो नेचुरली उनके अंदर होता है। सो आई थिंक इन अ मोस्ट सीरियस वे हमने वो आर्या में दिखाया है, बट अगर आप मुझसे पूछते इन माई ग्रोइंग अप ईयर्स, आई ऑलवेज थॉट माई मदर इज अ डॉन, मतलब शी कुड गेट एनी थिंग डन प्यार से या गुस्से से, बट शी कुड गेट एनी थिंग डन। And when it comes to your children, your family,
माँ में एक कमाल की ताकत होती है, यू नो, और वो आजमानी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. आई थिंक वी शुड नेवर टेस्ट अ मदर व्हेन इट कम्स टू दैट. सो या इट वाज इजी इन अ वे बिकॉज आर्या डॉन बनने के लिए नहीं बन रही है. उसकी जिंदगी में ऐसे हालात हैं जो उसे एक ऐसे रास्ते पे, एक ऐसे मुकाम पे ले जाते हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन है. सो बाय डिफॉल्ट शी बिकम्स दैट. मगर ये शेरनी और ये डॉन मुझे लगता है हर एक औरत के अंदर है. जी. आप क्या, आप अपने बारे में क्या कहती हैं कि आप कितनी बड़ी डॉन हैं अपने बच्चों के लिए? अभी पूछ लेते हैं. एम आई अ डॉन? नॉट एट ऑल. अभी कह रही हैं ऐसा. जब मैं होमवर्क करने के लिए इंसिस्ट करूंगी तो ये जवाब बदल जाएगा, बट फिलहाल कह रही है आई एम नॉट अ डॉन सर. जी. और आपकी तुलना शेरनी के साथ की जा रही है, और वैसे भी आप बंगाल की हैं और बंगाली बाघ या बंगाली शेर तो प्रसिद्ध हैं पूरी दुनिया में, तो आप सच में कितनी बड़ी शेरनी हैं? मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ कि यू नो माय मदर, मेरी जो मम्मी है वो लियो हैं, तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि लियो साइन की शेरनी है मेरी मम्मा. तो आई थिंक दैट जेनेटिकली मुझे मिला है मेरी माँ से कि किसी को बेवजह तंग नहीं करना, लेकिन कोई बेवजह तुम्हें तंग करे तो सहना नहीं. सो आई थिंक दैट मच ऑफ शेरनी आई हैव फ्रॉम माय मदर. तो किसी को पंजा मारा है अभी तक? किसी को घायल किया है पंजे से? वहां तक की नौबत आई नहीं अभी तक सुदीप संदीप. इट जस्ट इज आई थिंक कई बार आंखें काफी होती हैं, समझने वाले समझ जाते. जी बिल्कुल. आपके हिसाब से आपके लिए इस वेब शो में आपके कैरेक्टर के अलावा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया और आपको लगा कि यार अगर मैं आर्या नहीं होती तो ये कैरेक्टर जरूर करती? नहीं, ये गलतफहमी मुझे कभी नहीं थी. आर्या के अलावा मुझे और कोई किरदार आर्या की जगह नहीं ले सकता. सो दैट्स श्योर. ओके. बट आर्या में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, एक नहीं, क्योंकि हर एक सीजन में एक नया कैरेक्टर उभर के आता है. इट्स रिटन लाइक दैट इन द स्क्रीन प्ले, सो द एडेप्टेशन इज लाइक दैट. और आर्या की कहानी जब आप देखते हो तो आप रियलाइज करोगे कि सेंट्रल कैरेक्टर है आर्या, लेकिन शी इज बीन कुशन्ड बाय सम अमेजिंग कैरेक्टर्स. अब अगर आप उनको हटा देते हैं तो आर्या कैन नॉट वर्क एज अ कैरेक्टर, एज अ सेंट्रल कैरेक्टर. सो आई थिंक द प्लेंटी इस सीजन में आप जो जिन्होंने सुगंधा, हु इज प्लेइंग हीना माय फ्रेंड इन आर्या, सुपर्ब रोल. आई मीन आप इस बार देखेंगे तो समझेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ. एंड ऑल द बैड गाइज, आर्या स्क्रिप्ट ही ऐसी है कि ऑल द बैड गाइज हैव अमेजिंग रोल्स. सो बैड गाइज एंड बैड गर्ल्स. सो आई थिंक एवरी वन हैज अ ब्यूटिफुल चांस ऑफ फ्लरिशिंग इन देयर रोल्स इन आर्या. कितनी संभावना है तीसरा सीजन आने की? देखिए, मेरे डायरेक्टर जी ने कहा है, राम ने, कि हमारा थर्ड सीजन डिपेंड करेगा हमें कितनी मोहब्बत मिलती है सीजन टू के लिए. जब हमने सीजन वन बनाई थी तो हमने ये नहीं सोचा था कि सीजन टू एंड थ्री में जाएंगे. वो ईमानदारी से बनाई थी, और मैं अभी भी सोचती हूँ कि जो चीज़ हम लोगों ने बहुत सीरियस लॉकडाउन के दौरान बनाई थी सीजन वन में, कबर्ड में खड़े होकर डबिंग की थी कपड़ों के बीच में, वो कबर्ड से हम सीधा एमीज चले गए सीजन वन के लिए. तो मुझे उम्मीद है कि सीजन टू को और भी ज्यादा मोहब्बत मिलेगी, एंड इंशाल्लाह जब मिलेगी फिर हम सीजन थ्री की बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप. बाय. थैंक यू. देखिए, यहाँ पर आने से पहले ना ब्रेकफास्ट अच्छा करके आइएगा. ये मत सोचिएगा ज्यादा हेवी ना खाएं, क्योंकि यहाँ पर आकर सब पच जाता है. एंड एनीवेज, यहाँ से जाकर आपको
बहुत भूख लगने वाली है क्योंकि ये सीढ़ियाँ ही इतनी कमाल है, करीबन 200 के करीब सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी होगी। इट्स ग्रेट एक्सरसाइज। इसके बाद आप छोला भटूरा भी खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बन रहा है ना पंड्या स्टोर में। जी हाँ, और भटूरों के साथ एकदम फूल रहा है, फल फूल रहा है रावी और शिवा का रोमांस भी। और शिवा की जिंदगी की ये नई शुरुआत है, या फिर यूं कहें कि इन्होंने अपनी एक नई जर्नी शुरू की है। इस नई जर्नी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि होगा तो प्यार। और इस प्यार की शुरुआत हुई है एक किचन से, जहां पर किचन में एक छोले भटूरे बन रहे हैं। नेक्स्ट अभी छोले भटूरे प्यार, नेक्स्ट है प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा ड्रामा और रोमांस। हमारे जर्नी, एक अलग, एक न्यू जर्नी। मतलब अगर आप ये 8-9 महीने की जर्नी देखो ना, तो मुझे लगता है शिवा रावी की एक बहुत ही स्वीट सी जर्नी है। अब छोले भटूरे तो बन जाएंगे, और जिस तरीके से छोले भटूरे बन रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि इनके घर में कोई भंडारा लगा है। अब इतनी बड़ी कढ़ाई में भला भटूरे बन रहे हैं, तो हमें तो ऐसा ही लगा। या मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, और तुझे भटूरे की पड़ी है? दिमाग में से स्टीम निकाल, दिमाग ठंडा होगा ना, फिर शायद कुछ कमाल हो जाए। आई थिंक नोकझोंक के साथ पहले जो झगड़ा होता था, अभी नोकझोंक वाला प्यार होगा। हाँ, नोकझोंक तो आई थिंक शिवा और रावी ना दोनों ऐसे हैं कि नोकझोंक, हाँ नोकझोंक के बिना तो दोनों रह ही नहीं सकते। पर एक जो थोड़ी एक एंग्स्ट वाली जो हेट्रेड थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़े होते थे, वो अब नहीं होंगे, बिकॉज अब दोनों लेवल हेडेड हैं, दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर हैं। बट नोकझोंक तो स्पाइस है शिवा रावी का, नोकझोंक तो चलती रहेगी, बट झगड़े नहीं होंगे, प्यार भरे नोकझोंक होंगे अब। लेकिन ये भटूरे कब बनेंगे? जब रावी और शिवा को एक दूसरे से फुर्सत मिलेगी। जरा देखिए ना कैसे किचन में इनका रोमांस परवान चढ़ रहा है। शिवा ने कुछ कहा तो रावी को गुस्सा नहीं आया, और रावी ने छेड़ा शिवा को तो शिवा को भी गुस्सा नहीं आया। तो भाई अब इन दोनों ने अपने गुस्से को ताले में बंद कर दिया है। अब इनके बीच प्यार की शुरुआत हो गई है, और इन्हें प्यार करता देख आई एम श्योर कि रावी और शिवा के फैंस को तसल्ली मिलेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यकीन मानिए, यहाँ पर आकर ना ऐसा लगता है कि आप बस पुराने दौर का हिस्सा बन गए हैं, इस इतिहास का हिस्सा बन गए हैं, जिसको हम खूब सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन अफसोस कई बार उसकी कदर नहीं करते हैं। बहरहाल आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताते हैं। देखिए, मुख्य द्वार जो है यहाँ से है, हमने आपको बताया कि कैसे सेना आती थी, दुश्मन सेना भी यहीं से आती थी, और आमतौर से इंसान की फितरत होती है कि नाक किसी पर आगे चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक दरवाज़ा भी है। लेकिन दैट इज़ द डिसेप्शन, ये दरवाज़ा एक्चुअली खाई को लीड करता है, किले को तो दूसरा रास्ता जाता है, और दुश्मन सेना तेज़ी से आगे बढ़कर सीधा खाई में जाती थी। जी हाँ, मुख्य दरवाज़ा जहाँ पे लोग खड़े हैं वो किले को जाता था, और कुछ इस तरह हमारे ये जो किले हैं डिज़ाइन किए गए थे बड़े ही साइंटिफिकली। बहरहाल अब चलिए चलते हैं साथिया की ओर, क्योंकि साथ निभाना है साथिया के साथ। क्या बहुत तकलीफ हो रही है तुझे? ये तो सिर्फ दर्द की शुरुआत है। तुझे तो मैं इतनी तकलीफ दूंगी कि
कि हर रोज तेरे पे दर्द की बिजलियां गिरेंगी। अब मेरी फिक्र मत कीजिए, आप अपने आप की फिक्र कीजिए, मुझे अपनी लड़ाई नहीं आती। एक बयान में दो तलवारें रह सकती हैं, ये डेली सोप में आपने अक्सर देखा होगा। जो पहले कभी घर में रहा करती थी साथ साथ, अब देखिए वो जेल में भी एक दूसरे का साथ दे रही हैं। ये कोई और नहीं बल्कि कनक भाभी है। अब कनक भाभी तो जेल में थी लेकिन पीछे पीछे गहना भी आ गई है। अब भी मोटा भाई है ना, उनकी बदौलत गहना जेल पहुंच गई है। जहाँ पे भी मैं होती हूँ और ऐसा ना हो कि कनक वहाँ ना हो, जहाँ कनक हो वहाँ ऐसा ना हो कि गहना ना हो, और जहाँ पे भी हम हो वहाँ पे ड्रामा ना हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जेल में भी हमने नहीं छोड़ा, हम जेल भी एक दूसरे के पास आई गए एट दी एंड, और जेल में भी हमने तबाही मचाया। अब जो बदला है कनक बाहर नहीं ले पाई थी गहना से, वो जेल के अंदर लेगी। उसे हर तरीके से वो टॉर्चर करेगी। टॉर्चर फेंका मैंने उसके ऊपर, मैं इसके लिए कंकड़ वाला खाना लेके आई, इसको कंकड़ वाला खाना खिलाया, मैं इसके लिए सूखी रोटी भी मैंने इसको खिलाई, और मैंने इसको जेल के अंदर भी मैं इसको जितना टॉर्चर कर सकती हूँ, जितना सुना सकती हूँ, मैंने इसके साथ वो सब कुछ किया। तो इसने कनक वाला काम किया है गहना के साथ अंदर। लेकिन कनक आप ये नहीं जानती हैं कि गहना के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसकी अपनी बहन और माँ ने उसे धोखा दिया है और उस पर अब बा भी नहीं मानती हैं गहना को। खैर अब गहना अंदर है तो बहुत जल्द कनक बाहर जाने वाली है, क्योंकि उसकी रिहाई जो हो गई है। इसने मुझे जेल भेजा था, मैं तो रिहा हो गई, मैं वापस जा रही हूँ, और देखो भगवान की लाठी ये जेल पहुँच गई है। और मैंने अभी जेल से रिहा होते ही पहली बद्दुआ इसको दी है कि ये इसी जेल में ज़िंदगी भर सड़े और कभी बाहर ना आए। अब गहना अकेले जेल में रहेगी और जेल में लंबा सफ़र वो कैसे काटेगी ये तो भाई वही जान सकती है। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि बहू रानी को जेल में बहुत दिनों तक बंद नहीं किया जा सकता है। कुछ तो ऐसा होगा जिसके चलते गहना जेल से फरार हो जाएगी, और देखिए हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। इसके आगे अब क्या होगा ये तो आप SBS के अगले एपिसोड में ही देखिएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए माना कि ये जगह बड़ी पुरानी है, ऐतिहासिक है, लेकिन आज भी अगर आप आए ना तो आपकी टूरिस्ट लिस्ट में ये नंबर वन होगी। वैसे नंबर वन, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार एंड अनगिनत नंबर पर कौन आया एंटरटेनमेंट की दुनिया में जानना पड़ेगा TRP देखकर। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर बरकरार है सीरियल ये है चाहते 2.3 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर भी ये रिश्ता ने अपनी जगह पकड़ रखी है 2.6 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर इमली बरकरार है 2.8 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आ पहुंचा है सीरियल उड़ारियां और गुम है किसी के प्यार में 3.1 रेटिंग के साथ। बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर हमेशा की तरह अनुपमा विराजमान है 4.1 रेटिंग के साथ। ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए बंदूकें दो हैं, गोली एक चली, मरने वाला भी एक था, तो किसकी गोली से मरा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है सीरियल ये है चाहते में, जहां वेंकी रुद्र की गोली से या फिर वैजयंती की गोली से। भैया किसकी गोली से मरा यही हर कोई जानना चाहता है।
इसे कहते हैं कहानी का क्लाइमेक्स वाला सीन। दुल्हन को पकड़ कर ले गया है वेंकी, तो पीछे पीछे रुद्र और प्रिशा भी आ गए हैं। कभी वो सारांश को अपनी ओर खींचता तो कभी मिश्का को। जैसे तैसे मिश्का और सारांश आ गए प्रिशा के पास, तो भाई लड़ाई शुरू हो गई रुद्र और वेंकी में। मैं और सारांश हम दोनों तो फिलहाल खतरे में हैं, ऑल थैंक्स टू वेंकी, बिकॉज ही इज़ आउट ऑफ हिज हेड। मतलब वो थोड़ा पागल हो गया है, वो कभी सारांश को लेकर मतलब फेंकने की धमकी दे रहा है, तो कभी मिश्का के सर पे बंदूक रख रहा है। तो देखते हैं अब हम दोनों में से कौन रहता है और कौन बचता है। इन दोनों की हाथापाई लंबी चली। अब पलरा तो भारी लग रहा है वेंकी का, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए वो आ गई है। अरे भाई, वो का मतलब है वैजंती, जो झाड़ियों में छुपकर गोली मारेगी। वेंकी है ही इतना खतरनाक, अगर वो इतनी सारी प्लानिंग करता है। और मैं एक बैकअप प्लान रखती हूँ कि अगर प्रीशा और रुद्र दोनों मिलके वेंकी को नहीं रोक पाएंगे, तो एटलीस्ट आई शुड हैव अ प्लान बी कि मैं सबको बचा सकूँ। बचा तो लिया मैंने रुद्र और प्रीशा को, लेकिन गोली लग गई है वेंकी को। बट शायद कहीं ना कहीं वो उसका कर्म था कि बुराई का कभी ना कभी विनाश तो होना ही है। अब वैजयंती भी तो बचाना चाहती है रुद्र को, इसीलिए उसने अपनी गोली वेंकी पर चला दी। अब टाइमिंग भी देखिए क्या था, उधर वैजयंती ने गोली चलाई तो इधर रुद्र के हाथ में भी गन थी। सबको लगेगा कि गोली रुद्र ने चलाई है, वैजयंती ने नहीं। और फिर क्या होगा, पुलिस आएगी तो प्रिशा ये कह देगी कि ये खून उसने किया है, यानी कि अपने रुद्र को बचाने के लिए वो बड़ा बलिदान देगी। पता नहीं किसने गोली मारी है, उनको कुछ गलतफहमी है, तो उसके खिलाफ अब केस लड़ा जाता है कि वेंकी को किसने गोली मारी है। तो वही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर आगे लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। अब किसे पता कि गोली तो चली है, लेकिन रुद्र की बंदूक से नहीं बल्कि वैजयंती के बंदूक से। खैर, अब ये ड्रामा लंबा चलने वाला है। बेचारी प्रिशा एक बार फिर से जेल पहुंचेगी और उसके बाद ये कहानी में हो जाएगा 5 साल का लीप। और लीप के बाद सुनने में आ रहा है कि बहुत कुछ बदल जाएगा। अब वो क्या बदलेगा, इसके लिए तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अमरूद का सीजन आ चुका है और हम अमरूद के बगीचे में खड़े हैं। वैसे सीजन तो आ चुका है द व्हील ऑफ टाइम्स का भी, और इसमें इलियाना मोस्वानी यानी कि प्रियंका बोस के किरदार की खूब तारीफ भी हो रही है। तो क्या ख्याल है, एक मुलाकात तो ऐसे में बनती है इनसे। हाय प्रियंका, वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। हाय। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि कैरेक्टर के बारे में आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी? अभी 2021 है, तो ये अगर ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिला है अलाना का, जो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ अभी तो। और टीवी का यही है कि आप जो हैं, जो राइटर्स हैं, आपके पर्सनालिटी को देखकर कैरेक्टर को लिखेंगे, तो वो मौका मिल रहा है मुझे पहली बार, तो बहुत अच्छा है। फैंटेसी जॉनर के बारे में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? फैंटेसी आप एक्चुअली फैंस के लिए करते हो, और तो ये जो जॉनर जब ओपन हुआ मेरे लिए, इसकी जो राइटिंग है ये मैं देख रही हूँ कैसे यू नो इंटेलिजेंटली द राइटर्स प्लेस करते हैं, इनकी जो लैंग्वेज है कैसी होती है। तो ये जो है, ये जो पूरा जो वर्ल्ड क्रिएट होता है इसका, इवन यू नो CG या कुछ भी देख लो, इसका एक्सपेंस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग आई हैव डन। ये पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आपको पास्ट में जाना है या फ्यूचर में जाना है, तो आप क्या चूज करोगी और क्यों? मेरी तो इच्छा रहेगी मैं प्रेजेंट में रहूं, अपना काम करूं, घर जाऊं, यू नो बस यू नो लोगों से मिलूं, उनसे सीखूं, तो वही है कि मैं प्रेजेंट में रहूं, तो वही मेरा। सेट्स पे मस्ती तो होती ही होगी, तो ऐसा कोई बिजनेस मोमेंट अगर आपको याद है? हम तो बहुत मस्ती करते हैं, जिन्होंने भी हमारे साथ काम किया है बोलेंगे कि हम बहुत मस्ती करते हैं। तो यहाँ पर भी सब मतलब मैं जोर जोर से हंसती हूँ,
तो वो भी कैरेक्टर में डाल दिया है। ये पहला मौका मिला है कि इतने सारे इंटरनेशनल स्टार्स जो हैं, यू नो, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, मतलब इतने सारे लोग जमा हुए हैं, तो हमारी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं बड़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, तो वो जो नुआंसेज हैं वो पिकअप करने में भी मज़ा आ रहा है, तो उसमें मैं मज़ा लेती हूँ। तो एक होता है जब इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है, और यू नो फॉरेनर्स का तो ऑब्वियसली उनका एक अलग एक्सेंट है, तो आपने वो नेचुरल रखा या यू ट्राइड टू पिक देयर एक्सेंट? No, I didn't pick any accent. See, that's the thing. मुझे मुश्किल पहले होता था क्योंकि मेरे एजेंट्स काफ़ी बोलते थे तुम LA वाले इंग्लिश बुने बोलती हो, न्यूयॉर्क वाली सीख लो या UKRP वाली सीख लो। इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि मैं वही इंग्लिश बोलती हूँ जो मैं स्कूल में सीखी हूँ, और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है तो वो मेरे स्पेनिश एक्टर का भी होता है, आप समझ रहे हो, तो वो सेम है, तो उन्होंने तो अपना एक्सेंट चेंज नहीं किया तो हम क्यों करेंगे। तो ऐसा है कि मैं ऐसे एक्सेंट से बोल रही हूँ कि सबको समझ में आए, क्योंकि अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करती हूँ आप समझोगे मुझे, यू नो। सो ऐसा नहीं कि मैं किसी को कॉपी कर रही हूँ, तो ऐसा प्रेशर नहीं था कि मैं किसी और देश का एक्सेंट देके करूँ। जैसे इंडियन ओरिजिन का कॉन्टेंट आजकल इंटरनेशनली भी दिया जा रहा है, तो हाउ डू यू सी इट, क्या आपको लगता है दैट पीपल आर giving Indians a space now? Yes, I think there's a lot going on in the world ki abhi Indians ke liye bahut jagah ho rahi hai, aur main to jagah banane ki puri koshish kar rahi hu, aur mere jaise bahut log hain, main apne aap ko, meri ek Canadian dost hai jo Korean hai and एक्ट्रेस है इस उसमें, उसका भी सेम इशू है, क्योंकि वो यू नो शी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम शी इज़ फ्रॉम कोरियन और फ्रॉम अमेरिका। सो आई फील कि अभी जो डाइवर्सिटी है और वो जो दी अदर्स जो हैं जो कन्वेंशनल सेटअप में नहीं फिट होते हैं, वी आर नॉट द ब्लॉन्ड ब्यूटीज और वी आर नॉट द हीरोइंस और यू नो, तो उनके लिए जो कैरेक्टर वर्क है उसके लिए जगह बहुत बन रही है। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। प्रियंका, 3 एपिसोड्स आ चुके हैं, मैं पूछूंगी कि आगे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, तो मैं जानती हूँ आप बता नहीं पाओगे, बट कुछ तो हिंट बनता है ऑडियंसेस के लिए। देखिए, 5 एपिसोड्स ड्रॉप हो गए हैं, हर फ्राइडे को आ रहा है। अब मैं यही बोलूंगी कि एक्साइटिंग है बहुत, क्योंकि मेरे दोस्त जो मैसेज कर रहे हैं कि देखो वी डोंट हैव पेशेंस, ये क्या है एवरी फ्राइडे आप ड्रॉप कर रहे हो, बट आई जस्ट फील लाइक यू नो नॉट ओनली फॉर माय कैरेक्टर मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बट यू नो देयर रियली डिफरेंट कैरेक्टर्स आर कमिंग अप, दे आर ब्रिंगिंग लाइक रियली ग्रेट जॉय टू द प्रोजेक्ट, एंड it's a very interesting story to follow. तो आप प्लीज देखिए, 5th एपिसोड तक आ चुका है और and it's very exciting. ABP News, आपको रखे आगे।